हमारी पुत्री के कारण आपको भावनात्मक कष्ट सहन करना पड़ रहा है। हमारे कष्ट से बहुत बड़ा कष्ट है राजकुमारी का। अगर उसके अंधकार पूर्ण जीवन में आशा की कोई किरण है तो हमें अवश्य उस किरण को प्रकाश पुंज बनने के लिए प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। आपका स्वागत है पुरोहित जी। इस अपवित्र स्थान पर स्वागत करके अपने महापाप में मुझे भी सम्मिलित करना चाहते हो? जैसी आपकी आज्ञा रुद्र अवतार। इस संसार के कल्याण के लिए मैं नीलम अवश्य धारण करूंगा। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, 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 जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। नीलम इस समय कोई बड़ा अनर्थ करने के प्रयास में होगा। अपनी पुत्री को दिवा स्वप्न से बाहर निकालिए और इसका अंतिम संस्कार कीजिए, अन्यथा संपूर्ण राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश। मैं पुत्री मोह त्याग कर अपने धर्म का पालन करूंगा। और इस शव का अंतिम संस्कार करूंगा। अभी आपके राजकुमार की हत्या नहीं हुई है। राजकुमार की देह मृत अवश्य लग रही है, किंतु उनकी आत्मा अभी भी उनके शरीर में सुरक्षित है। कीजिए, यदि आपने ऐसा किया तो आपकी पुत्री भी राजकुमार की चिता में सती हो जाएगी। नहीं राजकुमारी, तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकती। दासियों, राजकुमारी को महल में ले जाओ। ठहरो, ठहरो, ठहरो। कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं आप महाराज? मैं संपूर्ण घटनाक्रम जानता हूं, पूरा वृतांत कि राजकुमार के साथ क्या हुआ है। यदि आपकी पुत्री यह कहती है
कि राजकुमार जीवित हो उठेंगे तो आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऋषिवर, आप ये क्या कह रहे हैं? एक दिव्य ज्ञानी होने के पश्चात भी आप राजकुमारी के समान भ्रमित हो रहे हैं? महाराज, मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है, परंतु कभी कभी प्रेम और विश्वास से संसार के सारे नियमों को पलटा जा सकता है। संभव है कि राजकुमार फिर से जीवित हो उठे। आपकी पुत्री का विश्वास सत्य है। और यदि आपने राजकुमार का अंतिम संस्कार किया तो उसके हत्यारे आप स्वयं होंगे। क्योंकि राजकुमार जीवित है। और यदि प्रमाण चाहिए तो राजकुमार के कंठ के निकट स्पर्श करके आप स्वयं देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए कि वो जीवित है या मृत। ऋषिवर, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ यह है कि राजकुमार की आयु अभी समाप्त नहीं हुई है। अनाहत चक्र में प्राण सुरक्षित है। किसी नकारात्मक और विनाशकारी शक्ति ने राजकुमार के प्राणों को नियंत्रित कर रखा है, परंतु वो उसके प्राण नहीं हर सकता। हाँ, उसे मृत्यु तुल्य अवश्य कर सकता है और उसने वो किया भी। राजन, ये झूठ है। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम अभी और इसी पल राजकुमार का अंतिम संस्कार करो। क्षमा कीजिए राजपुरोहित जी, जब तक राजकुमार के शरीर में जीवन है हम उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है महाराज, पछताओगे, बहुत पछताओगे। तुम अपने विश्वास को डगमगाने मत देना पुत्री, तुम्हारे राजकुमार जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे तुम्हारे राजकुमार। Thank you.
कहने आया हूँ कि तुम्हारा अंतिम प्रयास भी विफल हो गया, इसलिए अब तुम्हारा हित इसी में है कि तुम राजकुमार के प्राण वापस कर दो। असंभव मारुति, असंभव। नीलम अपना निर्णय कभी नहीं बदलता। निर्णय तो तुम्हें बदलना ही होगा नीलम। पुत्र शनि, तुम यहां? समझ गया, सब समझ गया कि तुम यहां क्यों और किसके बुलाने पर आए हो। किंतु अब राजकुमार को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, और ना ही तुम में से कोई मुझे रोक सकता है। नीलम, तुम्हारी और शनि दोनों की प्रवृत्ति समान है। यदि अंतर है तो बस इतना ही, शनि धर्मानुगत कार्य करता है और तुम अधर्म से जुड़े धनाक्ष के लिए। यदि तुम भी धर्म के मार्ग पर आ जाओ तो तुम भी शनि के समान योग्य एवं पूजनीय हो जाओगे। धर्म का पाठ मुझे मत पढ़ाओ मारुति। अभी और इसी क्षण मौन हो जाओ। नीलम, मैं तुम्हें अपनी ओर से अंतिम अवसर देता हूँ सुधरने का। यदि अब भी तुमने राजकुमार के प्राण वापस नहीं लौटाए तो मुझे विवश होकर दंड विधान से तुम्हें सद्मार्ग पर लाना होगा। तुम मुझे दंड दोगे? भूल जाओ शनि, भूल जाओ। दंड तो मैं तुम्हें दूंगा। अब यदि साहस है तो सामना करो, मेरा सामना करो। मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ, देता हूँ। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ नीलम। अब ये युद्ध निर्णय करेगा तुम्हारे हट का। ये निर्णायक युद्ध होगा इस बात का कि तुम अब इस संसार में कभी भी कोई अधर्म का कार्य नहीं कर पाओगे। आ नीलम, शनि दे, शनि दे, शनि दे, शनि दे, शनि दे।
शनिदेव क्षमा। मुझे क्षमा कीजिए शनिदेव। तुम क्षमा योग्य नहीं हो नीलम, तुम क्षमा योग्य नहीं हो। यदि आज मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुम संसार का हित करते रहोगे। आज मैं तुम्हारा अंत करके रहूंगा नीलम। रुक जाइए शनिदेव, रुक जाइए। नीलम का अंत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उस खल धनाक्ष के प्रभाव से इसे मुक्त कराना। इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए, अभय दान दे दीजिए। प्रसन्नता है नीलम कि तुमने प्रायश्चित स्वरूप धनाक्ष के अधर्म के मार्ग को त्याग दिया तथा धर्म के मार्ग को अपना लिया। हे मारुति, हम रत्नों के जीवन की यही तो नियति है। हमें शक्ति से अथवा युक्ति से जो भी ग्रहण करता है हम उसी की आज्ञा का पालन करते हैं। हमारा स्व होता ही नहीं। अब तक मैं धनाक्ष के अधीन था, इसलिए उसकी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा था। किंतु अब जब शनि देव ने मुझे पराजित कर अपने अधीन कर लिया है तो मैं आपको वचन देता हूं कि अब मैं वही करूंगा जो शनि देव चाहेंगे। शनिदेव, मेरी आपसे विनती है कि अब आप मुझे धारण करें। नहीं नीलम, जब तक तुम राजकुमार के प्राण वापस नहीं लौटा देते मैं तुम्हें धारण नहीं कर सकता। मैं अभी राजकुमार के जीवन से अपना प्रभाव वापस लेता हूं शनिदेव।
राजकुमार, आप जीवित हो गए। मेरा पुत्र, समधी जी, मेरा पुत्र जीवित हो गया। पिताश्री, धन्य हो वानर बालक, तुम धन्य हो। मेरे राजकुमार को जीवित कर तुमने अपना वचन पूरा किया, धन्यवाद। हे मारुति, मैंने राजकुमार के शरीर से अपना प्रभाव समाप्त कर दिया है, अब वो जीवित हो उठा होगा। शनिदेव, अब नीलम पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो चुका है, अब आप नीलम को धारण कर सकते हैं। रुद्र अवतार, आपने मुझे नीलम का स्वामित्व सौंप कर संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रुद्र अवतार, अब मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान से भी बढ़कर हैं। आपने न केवल मेरे जीवन की रक्षा की, अपितु मेरे स्वामी को भी पुनर्जीवित कर दिया। आपका यह आभार मैं कभी नहीं भूलूंगी। देवी, मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। केसरी, ये तुम्हारे जीवन का अंतिम स्नान होगा।
अंजना, अंजना। स्वामी, स्वामी। स्वामी अपना हाथ बढ़ाइए स्वामी। देवी अंजना, ये मगर हमसे अधिक शक्तिशाली है। आप अपना हाथ छोड़िए और अपनी रक्षा कीजिए, अन्यथा हम दोनों को ये हम दोनों का अंत एक साथ हो जाएगा। किंतु मैं आपका हाथ छोड़ूंगी नहीं और ना ही आपको छोड़ने दूंगी। किंतु दुख तो इस बात का है कि इस समय हमारा मारुति हमारे साथ नहीं है। वो यहाँ होता तो ऐसा बिल्कुल होने नहीं देता। सत्य कह रही हो अंजना, हमें अपने मारुति को पुकारना चाहिए। मारुति, 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 मारुति। ये तो मेरी माता अथवा पिताश्री का स्वर है, वो मुझे बुला रहे हैं। अवश्य किसी संकट में है मेरे माता पिता, अवश्य किसी संकट में। मारुति कहाँ हो तुम मेरे लाल? किंतु उनके स्वर में इतनी कातरता क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है मानो वे किसी दुर्गम संकट में हैं। किंतु किससे हो सकता है उनको संकट? पता तो करना होगा तथा उस संकट का निवारण भी करना होगा। जय श्री राम। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे माता पिता मगर का आहार बने? कदापि नहीं। नाक्ष, मैं गोमेद की दुर्दशा देखकर बहुत ही भयभीत हो चुका हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं अधिक दिनों तक आपका और साथ दे पाऊंगा।
शंकर ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय जटाधारी जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय महादेव जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय कृपा करो जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय कामना पूर्ण करो शिव शंकर ओम नमः शिवाय दीनानाथ जगत परमेश्वर ओम नमः शिवाय भक्त के मन की सुन लो पुकार ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय दूंगा गोमेद सदा सदा के लिए अंत कर दूंगा चाहिए रुद्रावतार इसका अंत मत कीजिए इसे क्षमा कर दीजिए नहीं ब्रह्मदेव मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता इसने मेरे माता पिता को कष्ट दिया है छल से इसने उनके प्राण लेने का प्रयास किया है इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है रुद्रावतार मैं आपकी बातों से सहमत हूं किंतु इसमें इसका कोई दोष नहीं है सारा दोष धनाक्ष का है और दूसरी बात यदि आपने आज गोमेद का वध कर दिया तो संसार से नवरत्नों का महत्व ही समाप्त हो जाएगा अतः आपसे मेरा निवेदन है कि इसे क्षमा कर दीजिए शिव जी करो कृपा प्रभु सबकी करो रक्षा भक्ति के पथ पर हो रधेरा भय के ग्रहण में डूबा सवेरा शिव जी करो कृपा मेरे शिव जी परमपिता ब्रह्मदेव तब आप ही बताएं कि इसे इसके कर्मों का दंड किस प्रकार दिया जाए
रुद्र अवतार, अन्य रत्नों की भांति गोमित को भी मुक्त करा दीजिए। और इसकी मुक्ति का एक ही उपाय है। बताएं परमपिता, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। रुद्र अवतार, इसे राहु के सानिध्य में सौंप दीजिए। दोनों समान धर्मी हैं, अतः राहु को इसे धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसी आपकी इच्छा। रुद्र अवतार, आपने मेरा आवाहन किया। हाँ राहुदेव। आज्ञा दे रुद्र अवतार। राहुदेव, आप गोमित का स्वामित्व ग्रहण कीजिए ताकि ये धनाक्ष के प्रभाव से मुक्त हो सके। सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य कर सके। रुद्र अवतार, आपने मुझे धनाक्ष से मुक्त कराकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। धनाक्ष के निर्देश पर मैंने आपके पिता को कष्ट तो अवश्य दिया, किंतु अब मैं उनके ऊपर से अपना प्रभाव समाप्त करता हूं और इसी क्षण से उनके भीतर से वैराग्य का भाव चला जाएगा। प्रभु, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। ये कैसी विडंबना है कि मैं अपने माता पिता के इतने पास आकर भी उनसे मिल नहीं सकता। यदि इस रूप में मैं उनके सम्मुख गया तो उनके प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूंगा? जब वो प्रश्न करेंगे कि तुम तो सूर्यलोक गए थे शिक्षा ग्रहण करने, यहाँ कैसे आ गए, तब मैं क्या स्पष्टीकरण दूंगा उन्हें? तो फिर क्या उनके दर्शन किए बिना ही चले जाओ यहाँ से? ये कैसा बंधन है कि एक पुत्र आज विवश है अपने माता पिता के दर्शन पाने को, किंतु नहीं, इतने दिनों बाद जब मैं आया ही हूँ तो बिना उनके दर्शन किए नहीं जाऊंगा यहाँ से। चाहे कुछ भी करना पड़े,
उनका दर्शन तो मैं करके ही रहूंगा। देवी, महादेव की उपासना के उपरांत चित्त इतना स्थिर और शांत हो गया है। अंतः में उठे प्रसन्नता के किरणों को अनुभव कर रहा हूं मैं। इतने दिनों बाद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है मुझे। महाराज, आपकी ग्रीवा का वो रत्न कहाँ गया? मेरे गले का रत्न? अच्छा हुआ नहीं है। मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, उस रत्न का ही कुछ प्रभाव था। ये तो भक्त वत्सल महादेव की कृपा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और कुशल हैं। बिल्कुल देवी, आइए राज्य की ओर प्रस्थान करें। अवश्य, किंतु उससे पूर्व ये प्रसाद हम शिव भक्तों में बांटें। चलिए। कैसे कर सकता है? आप तो जानते हैं कि प्रकाश हमारा जीवन है और प्रकाश से ही हम जीवित रहते हैं और उसी के माध्यम से हम सारा कार्य करते हैं, और यदि हमें प्रकाश से वंचित कर दिया जाए तो हम मृत प्राय हो जाएंगे। बाल्यकाल से तुमने मेरे सारे अधिकारों को छीन लिया है। धन का देवता के पद के लिए मैं तुमसे अधिक योग्य था। आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा, सदा सदा के लिए।